सोलन शहरी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अंकुश सूद ने पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई और भावी रणनीति के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय विधायक धनीराम शांडिल का आभार व्यक्त किया और कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को सोलन शहर से लीड दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सिटी अध्यक्ष के रूप में वे सोलन में संगठन को मजबूत बनाएंगे तथा जो पार्टी कार्यकर्ता किसी कारणवश घरों में दुबके पड़े हैं उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। सूद ने कहा कि संगठन की तरफ से उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका निर्वहन वे पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में NSUI से उन्होंने राजनीति में पांव रखा। पिछले 20 वर्षों से वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं तथा संगठन की मजबूती के लिए ही कार्य किया है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार की पृष्ठभूमि राजनीति से दूर रही है। सूद ने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है तथा इसमें छोटे मोटे मतभेद चले रहते हैं, लेकिन पार्टी की मजबूती के लिए सभी तत्पर रहते हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में DCC तथा ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त किया है। मैं सबसे पहले अपने हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एक आम कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी सौंपी है। जैसे ही वो अध्यक्ष बने थे उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया था कि पार्टी के अंदर बिल्कुल बैकफुट पे जो कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता है, उनको संगठन में मौका दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि मेरी नियुक्ति उसी के अंतर्गत हुई है। मैं किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं हूँ, एक सामान्य सा कार्यकर्ता था और उन्होंने मेरे ऊपर जो ये विश्वास जताया है उसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे हिमाचल के पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक कर्नल धनीराम शांडिल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने मेरे को इस बात का मौका दिया, शहर में काम करने का मौका दिया, मेरे ऊपर विश्वास जताया। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो उम्मीद उनको मुझसे है मैं उसे पूरा कर सकूँ और कांग्रेस, सिटी कांग्रेस को हर बूथ के ऊपर पूर्णतः मजबूत कर सकूं। मैं सभी को साथ लेके चलूंगा, जितने भी हमारे आपने आज देखा ही है, सभी जितने भी युवा कांग्रेस हैं, चाहे वो महिला कांग्रेस है, चाहे वो NSUI है, चाहे वो सीनियर कांग्रेस हैं, आपके सामने यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। हम सब एक परिवार हैं और मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और 2019 के चुनाव में हम 100% कांग्रेस की जीत यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र कश्यप, ब्लॉक कंडाघाट के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, मुकेश शर्मा, पार्वती तनवर, केशव कांत शर्मा, अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आदर्श हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।